तो आज एक फिर नए वीडियो में, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब मैं बाहर से गांव आ गया तो गांव का सफ़र दिखलाता हूं और गांव में कहां कहां गया हूं। सिर्फ सफ़र देखना चाहते हैं तो हमारा पूरा वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा कि हमारा वीडियो कहां तक है, या चित्र के माध्यम से आप लोग को दिखलाता हूँ कि यह किस जगह है और कहाँ है। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं दिल्ली से सफ़र करके गांव की तरफ आ रहा हूं। गांव में आने के बाद सबसे पहले ये मंदिर और उसके बाद ये पुल, पुल के पास एक और मंदिर है यहां पर देख सकते हैं, और ये मंदिर है बघईकुटी धाम का, ये सिंहासन है बघईकुटी धाम में, ये भी पड़ता है और खेती में काम भी होता है हमारे पास। अगले दिन नए सफ़र पे इस मंदिर को दिखलाते हुए, और ये देख सकते हैं बगीचे में मंदिर, और इस मंदिर को देखिए तो काफ़ी अच्छा है, ये मंदिर है और फिर ये वाला सीन। फिर चलते हैं आगे। अपनी साइकिल से एक नए सफ़र पर निकल चुका हूँ। इस मंदिर का नाम है बघईकुटी धाम, जो कि बहुत बड़ा फेमस मंदिर है। अभी आप लोगों ने चित्र के माध्यम से देखा कि कैसा मंदिर है, और यह मंदिर है गांव के पास जो कि पकड़ियार वाले रोड के काफ़ी दूर है। तो इस मंदिर को जाने के लिए आप लोग लिख सकते हैं पकड़ियार मंदिर साइकिल से यात्रा। तो इस सफ़र में मैं साइकिल से यात्रा करके वहां गया, फिर वहां से दूसरी तरफ मंदिर के इस नए सफ़र में छोटे छोटे गांव में मंदिर मिलते हैं जब मैं साइकिल से यात्रा करता हूँ, तो इन छोटे मंदिर को लाता हूँ। और यह मंदिर है गांव से काफ़ी दूर, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे उसका सफ़र का तो आप लोग को मालूम चला कि यह वीडियो कहाँ का है। फिर से आगे चलते हैं, आगे एक और मंदिर है, उस मंदिर को बताते हैं कि वह मंदिर कहाँ पर है। फिर उसी सफ़र में मैं आगे निकलता हूँ तो बहुत से मंदिर मिलते हैं। यह मंदिर है परवर पार का, जो कि टेकुआ टार में पड़ता है। आगे जाने के बाद ये काली माता का मंदिर, फिर और आगे पहुंचने के बाद कसिया के आगे ये है मैनपुर कोट स्थान मंदिर, जो कि इस मंदिर पर आने के लिए हमको करीब 3 घंटे से ज़्यादा समय लगा। इसका वीडियो आप लोग को हमारे चैनल पर मिलेगा, या आने वाले वीडियो में फिर से यहाँ का एक और वीडियो मैं बनाऊँगा जो आप लोगों को इधर दिखलाऊँगा कि कैसा है ये वीडियो। वीडियो को पूरा देखिएगा, इधर चारों तरफ का सीन कुछ ऐसा है, देख सकते हैं यहाँ से, ये भी गेट है आने के लिए रास्ता यहाँ से, और उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ था। फिर कभी इधर चलेंगे तो इधर का लोकेशन आप लोग को दिखलाते हैं। जो मेरा इधर का सफ़र रहा है, काफ़ी टाइम से इस सफ़र का मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इंतज़ार करते वक्त इस सफ़र का टाइम तो आ गया। फिर मैं निकल चुका हूँ आगे, और आगे जाने के बाद इस सफ़र का मैं पूरा एंजॉय किया, क्योंकि सुबह में सफ़र के लिए मैं निकला हुआ था और इस सफ़र को मैं पूरा किया शाम तक, काफ़ी टाइम लगा और धूप भी काफ़ी तेज़ थी। अगर इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग को हमारे चैनल पर मिलेगा, वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे का सफ़र दिखलाते हैं आप लोगों के साथ, यह अगला सफ़र हो सकता है। तो यह है लक्ष्मीगंज रेलवे स्टेशन का जगह, फिर आगे का सफ़र लक्ष्मीगंज में ही यहाँ से देख सकते हैं, और आगे जाने के बाद से यह स्कूल मिला, प्राइमरी स्कूल है। ऐसे खतरनाक जंगल, जंगलों का रास्ते सफ़र है। सफ़र करते वक्त मैं मंदिर के पास पहुँचता हूँ, तो ये रहा है मंदिर जो देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा मंदिर है ये, और आगे का भी सीन कुछ काफ़ी बढ़िया है। ये बहुत पुराना मंदिर है, देख सकते हैं यहाँ से। तो हमारा यह सफ़र रहा है, फिर वहाँ से आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद से इस सफ़र को दिखलाएंगे, क्योंकि यह सफ़र जो है बहुत बड़ा एक मंदिर है रामकोला में, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर होने के बावजूद भी एक छोटा मंदिर है। उस मंदिर का लोकेशन है इधर से, इधर से आप लोग को दिखलाते हैं इस वीडियो में चित्र के माध्यम से। फिर वहाँ से सफ़र करेंगे आगे, आगे आने वाले वीडियो में आप लोग को दिखलाएंगे। ये छोटा सा वीडियो आप लोग की जानकारी के लिए, आप लोग गाँव में रहकर इस मंदिर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से आने वाले वीडियो में, वीडियो देखते रहिए।